नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज बहुत बढ़िया दिन है। आज सोमवार है और आज प्रदोष काल है। जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति प्रदोष काल का उपवास रखता है। प्रदोष काल में दान दक्षिणा करता है। प्रदोष काल में शिवालय में जाकर के शिव जी की पूजा आराधना करता है। दोस्तों, प्रदोष वाले दिन यदि आप शिव जी को अमुक अमुक चीजें अर्पित कर देते हैं, आपकी जन्मों की दबी हुई इच्छा पूरी हो जाती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। प्रदोष काल हो और सोमवार हो, यह बहुत ही नसीब से होता है, बहुत बढ़िया होता है। और इस बार तो दोस्तों चार चार महायोग बन रहे हैं। एक तो है आयुष्यमान योग, दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो आज दोपहर 11:30 बजे शुरू होगा और कल मतलब मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपको जबरदस्त रूप से सफलता मिलती है। आज रवि योग है और आज दोस्तों सौभाग्य योग भी है। आज के दिन आप बिना भूले उन तमाम उपायों को अवश्य ही करें जो मैंने अपनी अलग अलग वीडियो में जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों, आज के दिन आप एक छोटा सा काम जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। इस उपाय को करने से आपके घर में लंबे समय से यदि कोई ऐसी बात है जो मतलब आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर खत्म किए दे रही है, आप मन ही मन बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आप समय को पलट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा ये काम हो। काफी हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत दुखी होकर के लिखते हैं, हम जो कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि आप इतनी तकलीफ में हैं, आप तकलीफों पर भरोसा करके बैठे हैं। जो उपाय मैं आपको बता रही हूं उन उपायों पर भरोसा करें। कभी ऐसा होता है कि समय यदि आपका कमजोर है तो भगवान पर से आपका विश्वास उठ जाता है, होता है ऐसा। लेकिन यही वो समय होता है दोस्तों जब आपको इस शक्ति पर भरोसा करना होता है, यही वो समय होता है जब आपको अपने आप को मजबूत बनाना होता है। जब आप कमेंट लिखते हैं और मैं उस कमेंट को पढ़ती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि आप कंडीशन के नीचे दबे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको लिख करके देती हूँ इस चीज को, दुनिया में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है जो इंसान को खत्म कर दे। कोई ऐसा दुख नहीं है जो इंसान को खत्म कर दे। अगर आप अंदर से सबल हैं, यदि आप खुद से मजबूत हैं, यदि आपको मालूम है कि मुझे ये कंडीशन का शिकार नहीं होना, कोई भी कंडीशन हो, आप उस कंडीशन को एक न एक दिन उठा करके फेंक देंगे, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर है। आत्मा दोस्तों जो शिव स्वरूप है, वो जीव रूप लेकर के दुनिया में आई है। जीव की कोई भी इच्छा है उसको पूरी करना शक्ति का काम है। खुद पर विश्वास रखें, अपने अंदर बैठे शिव पर विश्वास रखें, शक्ति पर विश्वास रखें, तमाम काम दोस्तों आसानी से होते हैं। कभी भी आप बहुत ज्यादा तकलीफ में ना आ जाए, जो भी उपाय मैं आपको बताती हूं आप उसे पूरे विश्वास के साथ करें। तो दोस्तों, आज क्योंकि प्रदोष काल है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक मतलब कि संध्या समय आपको इस उपाय को करना है। आप यदि शत्रुओं से हैरान हैं, परेशान हैं, आज आप शंख पुष्पी का एक पुष्प, अपराजिता का एक पुष्प ले जाएं, शिवलिंग के ऊपर रख दें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके बाद उस पुष्प को उठाकर अपनी जेब में रख लें। जहां भी आप जाएंगे दोस्तों, आपको हर काम में सफलता ही सफलता मिलेगी।
गरीबी से यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आज के दिन भगवान शिव जी को आप घी अर्पित करें, शिवलिंग के ऊपर घी चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। कोर्ट कचहरी का मामला है, आज के दिन आप काली सरसों शिव जी को अर्पित करें। जिन्हें सौंदर्य की बहुत ज्यादा इच्छा है कि मेरा सौंदर्य ऐसा हो वैसा हो, आज के दिन दोस्तों जितने प्रकार के पुष्प आपको मिले तमाम पुष्पों को, हाँ चमेली का पुष्प आपको नहीं लेना है, तमाम पुष्पों को लेकर के आप शिवालय में जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप पुष्पों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। दोस्तों जो लोग पुष्पों से फूलों से शिवलिंग बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और आज के दिन दोस्तों यदि आप इस क्रिया को करेंगे आपकी किस्मत चमकेगी। आप सिर्फ फूल ले ले ज्यादा और उसका शिवलिंग बना दें और उसके बाद में आप उसके ऊपर घी चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं और पंचामृत चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद जो शिवलिंग आपने बनाया है पुष्पों का, उसे आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या जहां पर भी शिवालय हो वहां उससे लेकर के जाए और शिवालय के अंदर यदि कोई पेड़ वगैरह लगा है तो उसके नीचे रख करके आ जाए, आपका सौंदर्य बढ़ता ही चला जाएगा। और आज के दिन दोस्तों आप चांदी का छोटा सा लोटा हो या कोई भी पात्र हो या फिर तांबा हो, उसमें आप कच्चा दूध डालें और उसमें आप थोड़ा सा शहद डालें और शिवालय में जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उसे आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिवालय पर यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप अपने घर में शिवलिंग रख लें संध्या समय, और इन तमाम उपायों को आप घर में ही कर लें। जो दूध और शहद आपने उन्हें अर्पित किया है, आप पूजा पूरी होने के बाद उसे उठा करके कोई भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें। पेड़ दोस्तों कांटे वाला ना हो, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। और आज के दिन दोस्तों चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद भर करके आप अपने धन स्थान में रख दें, हमेशा घर का धन बढ़ता रहेगा। लक्ष्मी पर, आपके घर पर, आपके धंधे रोजगार पर जिन लोगों ने टोने टोटके किए हुए हैं वो अपने मुंह के बल गिरेंगे। आप देखना दोस्तों कई एक ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही इज्जत से जी रहे होते हैं, उनके पास धन होता है, दौलत होता है, मान सम्मान, तो जिनके पास ये चीजें नहीं है वो अकारण ही उनके शत्रु बन जाते हैं। और उसके बाद में ऐसे दो चार जो दिल जले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, इकट्ठा होकर के उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, अच्छे खासे आदमी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। जगह जगह जाएंगे, जहां तांत्रिक बैठे हैं, मेली विद्या करने वाले बैठे हैं, वहां से तंत्र मंत्र करवा करके आपके घर को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को आप करें आज के दिन, आप देखेंगे ऐसे जो दुष्ट लोग हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, आपका घर हमेशा हरा भरा रहेगा। सिर्फ आपको, और हाँ ये आपको खास ध्यान रखना कि शहद असली हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों मार्केट में बिल्कुल घटिया चीजें मिलती हैं और हम उसको असली चीज समझ करके उसका हम उपयोग करते हैं, उसके ऊपर हम उपाय करते हैं और उसके बाद हमें उन उपायों में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो चीज ही वो नहीं होती है जिसको वो समझ करके हमने उपाय किए होते हैं। जब भी आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो जिस चीज से कर रहे हैं उस चीज की शुद्धता पर हमेशा ध्यान दें कि वो चीज कितनी ज्यादा शुद्ध है, ठीक है। तो उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।